वैसे बेटा मैंने इस शहर का सबसे काबिल और मशहूर वकील हायर किया है। उसने कहा है कि पहली ही पेशी में जमानत करवा दूंगा इंशाल्लाह। वैसे जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी हमारे बड़े काम आएंगे। हाँ बेटा, वो उसी बेस के ऊपर जमानत भी करवाएगा और जल्द ही मुकदमा भी खत्म करवा देगा। सुफियान का क्या हुआ, बाहर आ गया? उसे जेल भेज दिया है। क्या, जेल भेज दिया? वैसे वहां मुझे पूरा यकीन था मैं अपनी खिदमत और मोहब्बत से अम्मी का दिल जरूर जीत लूंगा। हाँ मुनी, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। ये बात तो है, तभी तो मैंने तुम्हें पाया। वहां एक सीरियस सवाल पूछूं? हाँ। बहुत अहम सवाल है। हाँ तो पूछो ना। क्या तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो? तुमने बड़ी खामोशी से मुझे अपना असीर बनाया। ये तुम्हारी मोहब्बत की तपिश थी जिसने मुझे पिघला दिया। क्या हुआ, कहाँ खो गए? किस जानू में ले आई है तुम्हारी मम्मी मुझे? तो क्यों आए हमारे साथ, ना आते? तुम्हारी खुशामद तो नहीं की थी ना हमने? वैसे तो बात करना ही फजूल है। ये तो ठीक ही राय, क्या जरूरत पड़ती मम्मी को झूठ बोलने की? क्या सोच रही हो तुम? कुछ खास नहीं, सोच रही थी क्या रशीदा के पास वाकई कोई बंगला था, और अगर था तो हमारे घर क्यों रही? झूठी औरत है वो, कोई बंगला वंगला नहीं था उसके पास। लेकिन तुम्हारे बेटे को सबक मिलना चाहिए था। बस यही कसर रह गई थी कि आप लोगों ने मुझे पागल भी बना दिया। बेटा समझने की कोशिश करो, अदालत को यकीन दिलाना जरूरी है, इसलिए ये सर्टिफिकेट्स बनाए। क्यों, अगर क्यों? बेटा कोई होशमंद आदमी अगर ये हरकत करता तो उसे अदालत से सजा में ना छूट मिलती ना कोई रियायत।
मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, तुम्हें इस हालत में देख के जो मुझ पर गुजर रही है ना, मैं ही जानता हूं। ठीक है, जो भी करना है जैसे भी करना है फटाफट करें, क्योंकि अब मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं, मेरा दम घुटता है यहां पे। मुझे खुशी है बेटा कि तुम मेरी बात समझ गए हो, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह तुम एक दो रोज में घर आ जाओगे। बेटा मैंने SSP साहब से बात की है, उन्होंने ये रियायत दी है कि तुम्हारा खाना भी घर से आएगा और बिस्तर भी घर से आ जाएगा, और तुम्हारा मजीद सामान जो है वो फैजी लेकर आ जाएगा। मुझे पता है बेटा, हवालात में हवालातियों के साथ एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल होता है। सैफी, सैफी बेटा, माँ यहाँ का तो काफी हद तक हो गया है। चलो बेहतरीन है, अब तुम जाकर शावर ले लो जब तक मैं डस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है? फिर हम खाना खाते हैं। ठीक है। वैसे दादू खाना क्या बन रहा है आज? अरे बेटा गोश्त भून लिया है, गोभी डाल दूंगी, 15 मिनट में तैयार हो जाएगा खाना। चलो ये तो अच्छा है। अरे भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं था अब्बू, बस आज हम लोग सफाई डे मना रहे थे। अब्बू अम्मी ने काफी अरसे से पंखे और जाले साफ नहीं करवाए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज कर दे। बेटा टाइम कहाँ मिलता है तुम्हें, अब मसरूफ जो रहते हो इतना। अम्मी छुट्टी का दिन होता है ना, और देखे ना हमने पूरा घर साफ कर दिया। अम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है? साबित मसूर की दाल चावल बनाए, गोश्त भून लिया, गोभी डाल दूंगी, बस खाना तैयार। अरे वाह आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं सफाई कर रहे थे आज। तो मुझे भी बताते ना, मैं भी तुम लोगों को कुछ हेल्प करा देती। कोई बात नहीं, हमने सफाई कर ली है। ये क्या बात हुई, अब मैं क्या करूँ? तुम ऐसा करना टेबल पे खाना लगा दो, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है। तुम दोनों खुश रहो। तुम्हें पता आज मेरा घर घर सिर्फ तुम दोनों की वजह से, वरना ये घर कब का उजड़ गया होता। अल्लाह तुम लोगों को शाद रखे। मैं आती हूँ। हाथ धो लो, नहा लो। फैजी, ये किस चीज की तुम्हें इतनी टेंशन है? टेंशन? नहीं सारा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है? कम ऑन सारा, तुम अच्छी तरह जानती हो कुछ दिनों से कितनी भाग दौड़ में लगा हुआ हूं मैं, थक गया हूं। तो हिम्मत करो ना, अंकल से कुछ सीखो। सुबह शाम तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, और आज सुबह ही सुबह कहीं निकल भी गए। डैड को तो आराम का मौका ही नहीं। तो ये मौका तुम उन्हें दो ना। चलो अब जल्दी से रूम से निकलो और उनकी हेल्प करो। ओके मैडम, जो हुक्म आपका। और ये जूस पी लो और शावर लेके तैयार हो जाओ, हम लंच बाहर करेंगे। अच्छा तो ये सारी तकरीर इस वजह से की जा रही है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें आउटिंग पे जाना है। इनफैक्ट मैं बोर हो गई हूँ घर बैठे बैठे। तो फिर ठीक है, आज हम लंच बाहर करेंगे और उसके बाद मूवी देखेंगे। ठीक है। बाय द वे तुम्हारी बोरियत खत्म करने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या?
यही कि तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो। नो थैंक यू, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करके आती हूँ। मम्मी ले भी आए यार, बहुत भूख लग रही है। अरे आ रही हूँ, दो ही हाथ हैं मेरे, अगर इतनी भूख लग रही थी तो आ जाती, मदद करवा देती थोड़ी सी। कि क्या आप इतनी देर से किचन में दाल पका रही थी? दाल ही नहीं पकाई, रोटी भी पकाई है, और भी काम किए, झाड़ू दिए, बर्तन धोए, सफाई की है, और तुम सिर्फ बिस्तर तोड़ रही हो। आपको पता तो है इससे गर्मी में काम नहीं होता। अच्छा अब आप दोनों लड़ते ही रहेंगे, आप जाके मेरा खाना भी ला के देंगे मुझे। रखा तो है सामने, खा लो ये। अरे शुक्र अदा करो कि ये भी मिल रहा है खाने को, और कल के लिए राशन नहीं है घर के अंदर, कुछ ले आओगे तो पक जाएगा वरना ग्यू भूखे बैठे रहेंगे। मम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बड़े मटन कढ़ाई बनाकर लाई हैं आप। अरे तो लाओ पैसे दो, अभी मटन कढ़ाई बना के ले आती हूँ मैं। देखिए आंटी, मैंने अपनी पूरी महीने की सैलरी विनी को दे दी थी, अब मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। हाँ तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी उस दिन गर्मी के कपड़े खरीद लाई थी। हो गया सवा सत्यानाश, ठीक है फिर तुम दोनों भूखे बैठे रहना। भाई मैंने तो मोहल्ले में जान पहचान बढ़ा ली है, मैं तो किसी के घर भी जाकर खाना खाकर आ जाऊंगी, और अभी भी भूख लग रही है मुझे। मैं तो खा रही हूँ, तुम लोग खाओ या ना खाओ मर्जी है तुम लोगों की, मैंने पकाई है मेहनत से तो खाऊंगी भी। मैं भी खा लेता हूँ, फिर आप खा रही हैं तो शेबी मेरे लिए कुछ बाजार से ले आओ ना। ये खा लो ना, आंटी ने इतने प्यार से बनाया है। खा लो ये चीज, जल्दी निकालो। खा लो नहीं होगा पेट में दर्द। बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र। मुनीब, मैंने कल और परसों के लिए शर्ट्स आयरन कर दी हैं। वहाँ इन सब की क्या जरूरत थी, मैं खुद कर लेता। पहले कर लेते थे मगर अब नहीं करोगे। तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत पोच है, मत क्या करो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से राहत मिलती है, बोझ नहीं लगते। ठीक है पे कर लिया करो। शायद फ्री होने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। बिल्कुल मत किया करो, बस मुझे हुक्म कर दिया करो, मैं यही चाहता हूं। मेरा बस चले तो तुम्हें शहजादियों की तरह शाही तख्त पे बिठा दूं, और बस तुम्हें देखता रहूं बस। ज्यादा फिल्मी हीरो बनने की जरूरत नहीं है, चलो उठो तुम्हें दादा बुला रही है। फिल्मी तो नहीं लेकिन हीरो तो हूं, अपनी हीरोइन का। बहुत ज्यादा ही बोला नहीं आ गया है तुम्हें? अच्छा महा तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझे अब मन्नू नहीं मुनीब कहती हो, क्यों? क्योंकि पहले तुम सिर्फ एक दोस्त थे मगर अब तुमसे रिश्ता जुड़ चुका है जो तुम्हें मोहतबर बनाता है, इसलिए मुनीब कहना अच्छा लगता है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से मन्नू भी अच्छा लगता था। ठीक है तुम्हारी खुशी के लिए कभी कभार कह दिया करूंगी। आइंदा ये काम मत करना कि मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? बस मैंने कह दिया ना। ठीक है। लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तरक्की करते हैं, और एक मैं हूं पस्तियों में गिरता जा रहा हूं। अपना इतना आलीशान मकान छोड़ के कहां इस सर्वेंट क्वार्टर में रहने आ गया।
अच्छा मम्मी, मैं आमिर से मिलने जा रही हूँ। अरे मैं भी चलती हूँ। मम्मी क्या हो गया, क्यों कबाब में हड्डी बन रही है? आपको पता भी है कि आमिर को अच्छा नहीं लगता आपको देखकर। अच्छा सॉरी मम्मी, समझा करें ना, अभी आमिर को मुझे काबू में करना है ताकि वो हमें अपने अपार्टमेंट दे सके रहने के लिए। अब सोचे अगर मैं उसका मूड खराब कर दूंगी तो क्या वो मानेगा मेरी? अच्छा बस सुन भी लिया और समझ भी लिया, अब जाओ। और हाँ, आते हुए थोड़े पैसे लेती आना, घर खर्च के लिए बिल्कुल खत्म हो गए पैसे। हाँ हाँ ले लूंगी। और हाँ मम्मी, शेबी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आमिर से मिलने जा रही हूँ, कह देना कि किसी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, ठीक है ना? उसकी क्यों फिक्र कर रही है, दफा कर उसे, दो कौड़ी की हैसियत नहीं है उसकी, छोड़ उसे। मम्मी आपको हजार दफा कहा है मैंने कि मैं शेबी को नहीं छोड़ सकती, फिर वही फजूल बातें करती हैं आप। जा रही हूँ मैं, लव्स। तीर मारने जा रही है, पैसे रखे थे कहीं से मिल जाए मुझे बस ये। मां कहां से कहां पहुंच गई, काश मैं जल्दबाजी में शादी ना करता वानिया से, तो आज मां के साथ ऐश की जिंदगी गुजार रहा होता। वानिया तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारा फर्ज है मेरा ख्याल रखना। अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह लाके तुम्हारे हाथ में रखता हूँ ना मैं, और तुम दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकती मुझे? बीवी हूँ तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं जो हर वक्त किचन में तुम्हारे लिए खाना बनाती फिरूं। हम उससे झूठ ना के मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुमने गलत सुना, भला सुफियान क्यों किसी का मर्डर करने लगा? इसलिए क्योंकि वो फरी को भी मारने वाला था, उसने फरी पर भी ऐसे ही हमला किया था, फरी ने मुझे बताया था।